हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट जावा में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैसे हम कंडीशनल स्टेटमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे, कंडीशन क्रिएट करेंगे, ठीक है, और उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट होती क्या है पहले ये देख लेते हैं। कंडीशनल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जैसे आपके पास चॉइस है, कुछ भी चॉइस हो सकती है रियल लाइफ में भी, जैसे कि दोनों में से एक ट्रू होना ही होना है। ठीक है, लाइक मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल दिया कि आप स्कूल गए, इस क्वेश्चन के दो ही आंसर हो सकते हैं, या तो गए या फिर नहीं गए। ठीक है, यस एंड नो में। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी होती है जावा में, कि यहाँ पे भी कंडीशन होती है और उन कंडीशनों में से एक कंडीशन ही क्या होगी, एक टाइम पे ट्रू होगी। मीन्स सारे के सारे एक साथ ट्रू भी नहीं हो सकते और सारे के सारे एक साथ फॉल्स भी नहीं हो सकते। जितनी भी कंडीशन है उनमें से सिर्फ एक ही क्या होगी, एट अ टाइम पे ट्रू होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसमें कैसे बनाएंगे उसको, मैं यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल क्रिएट करूंगा जिसमें क्या होंगे, दो वेरिएबल हमारे पास हैं, दो वैल्यूज हमारे पास हैं, और उन दो वैल्यूज को हमें कंपैरिजन करना है कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्लास लिखा, इस क्लास को मैंने लिख दिया इफ डेमो, क्लास का नाम दिया और फंक्शन बनाया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग str। उसके बाद हमने यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर करे, int a एंड int p। दोनों को हम एक ही लाइन में भी कर सकते हैं जैसा आप चाहो। यहाँ पे हमने a और b को डिक्लेयर कर लिया। ठीक है, अब a में वैल्यू लानी है, हमें यूजर के थ्रू वैल्यू लानी है। तो system.out.println, जो मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया था कि कैसे हम यूजर से वैल्यू लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा है एंटर फर्स्ट नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा एंटर फर्स्ट नंबर जो कंसोल स्क्रीन पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें ए में वैल्यू लेनी है, ए इक्वल इंटीजर डॉट पार्स इंट, और यहाँ पे आ जाएगा सिस्टम डॉट कंसोल डॉट रीड लाइन। इसी लाइन को मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आ जाएगा सेकंड नंबर और यहाँ पे आ जाएगा स्टार्ट में बी। दोनों वेरिएबल के अंदर वैल्यूज आ चुकी हैं, अब हमें उनको क्या करना है, कंपेयर करना है कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, तो हमने एक कंडीशन बनाई इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ये ग्रेटर का साइन होता है। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है अगर ए बड़ा होता है बी से तो एक स्टेटमेंट आ जाए सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंटलाइन ए इज बिग। ठीक है, ये स्टेटमेंट यहां पे एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर ए बड़ा होता है बी से। दूसरी हमारे पास कंडीशन है, यहां पे कंडीशन कितनी है पहले देख लीजिए, तीन कंडीशन यहां पे जनरेट हो रही है, या तो ए बड़ा होगा या फिर बी बड़ा होगा या फिर दोनों क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। ठीक है, तो तीन कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन आपको लिखनी है इफ के अंदर, सेकंड कंडीशन आपकी आएगी एल्स इफ के अंदर, बीच में जितनी भी कंडीशन आपके, मान के चलो आपके पास पांच कंडीशन है, तो आप हमेशा क्या करोगे, फर्स्ट वाली कंडीशन को लिखोगे इफ के अंदर और लास्ट वाली कंडीशन को लिखोगे एल्स के अंदर, एंड बीच की जितनी भी कंडीशन है उन सबको लिखना है आपको एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास तीन कंडीशन है, फर्स्ट हमने इफ में लिख दिया, बीच की कंडीशन हमें क्या लिखनी है एल्स इफ में। साथ साथ आपको ये जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इसका भी ध्यान देना है कि ये क्या होगा, इफ के बाद ओपन होगा और दूसरे एल्स इफ से पहले क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ये इस क्या है, ये इस इफ का एरिया क्या करता है, डिनोट करता है कि इतना एरिया किसका है, इस इफ का है। अब ये एल्स का हमें एरिया दिखाना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डबल जो कर्ली ब्रेसेस होते हैं इनको क्या करना, ओपन करना। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा एल्स के एल्स इफ, बीच की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि एल्स इफ में होगी और यहाँ पे क्या लिखना है हमें ए इक्वल इक्वल बी। अगर आपको क्या करना है, ये दिखाना है कि ए बराबर है बी के, तो आप ए इक्वल बी नहीं करोगे। उसका मतलब क्या हो जाता है, अगर आपने यहाँ पे ए इक्वल बी कर दिया तो इसका मतलब हो जाएगा कि बी की जो वैल्यू है वो किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू, वो स्वैप कर देगा अपनी वैल्यू को, ट्रांसफर कर देगा अपनी वैल्यू ए के अंदर। ठीक है, तो डबल इक्वल का मतलब होता है यहाँ पे कंपेयर करना कि जो ए की वैल्यू है वो बी के बराबर है,
ठीक है, डबल इक्वल। अगर आपको कहीं पे क्या करना है, ये डिनोट कर, ये दर्शाना है कि क्या है, ए की वैल्यू जो है वो बी के बराबर है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए इक्वल इक्वल बी करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने भी वही करा है और यहाँ पे हमने लिख दिया, स्टेटमेंट आ जाएगा अगर ऐसा होता है तो क्या आ जाएगा, रेंटल एंड यहाँ पे आ जाएगा बी इज ए सॉरी ए एंड बी बोथ आर इक्वल, ए एंड बी बोथ आर इक्वल, या फिर सिंपल आप ऐसा कर सकते हो बोथ नंबर आर, बोथ नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, उसके बाद मैंने करा एल्स और यहां पे कर दिया है। अब दो कंडीशन हमने बना दिए कि ये भी पॉसिबल हो सकती है, ये भी पॉसिबल हो सकती है। अब हमारे पास एक कंडीशन बची है कि बी बड़ा हो सकता है ए से, तो वो कंडीशन हमें लिखने की जरूरत नहीं, हमने दो कंडीशन लिख लिए, जितनी पॉसिबल कंडीशन है आप उनको सबको जितनी है, जैसे पांच है हमारे पास, तो आप चार को लिखोगे और पांचवी कंडीशन को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर चारों में से कोई भी ट्रू नहीं होता तो जाहिर से बात है कि लास्ट वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ऑटोमेटिक ट्रू हो जाएगी। तो आपने सिर्फ एल्स लिखना है और यहाँ पे सिर्फ स्टेटमेंट देनी है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, यहां पे आपने लिखा बी इज बिग। ठीक है, ये हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया है। हमने सबसे पहले दो नंबर्स क्या करे, यूजर से एंटर कराए हैं ये, ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, एक कंडीशन बनाई कि क्या अगर इफ ए बड़ा होता है बी से तो यहां पे आ जाएगा कि ए इज बिग स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर दूसरी कंडीशन ट्रू होती है, दूसरी कंडीशन कहती है एल्स इफ अगर ए बराबर होता है किसके, बी के, तो यहाँ पे आ जाएगा बोथ नंबर आर इक्वल। ठीक है, और तीसरी कंडीशन अगर ट्रू होती है एल्स वाले, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बी इज बिग, तो तीनों में से एक टाइम पे एक ही क्या होगी, ट्रू होगी। तो चलिए इसको हमने सेव करा, सेव इज करना हमें, और यहाँ पे लिखा हमने इफ डेमो डॉट जावा, फोल्डर मेरा सेम है जावा डी। ठीक है, चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा जावा सी जो हमारा कंपाइलर नेम है, और यहाँ पे लिखा हमने इफ डेमो, एंटर करा, अगर कोई एरर है तो वो दिखा देगा, हमारे इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, तो हम सीधे इसको क्या करेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। तो इंटरप्रेटर नेम है आपका जावा, और हमने लिखा इफ डेमो, डॉट क्लास की फाइल खुलेगी, आपको डॉट तक क्लियर करना है, डिलीट करना है, देन एंटर कर देना है। आपने फर्स्ट नंबर डाला 5, दूसरा नंबर हमने डाला है 3, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि ए बड़ा है किसके, बी से, ए इज बिग आ गया। नेक्स्ट टाइम हमने इसे फिर से रन करा, ठीक है, हमने इस टाइम पे इसको डाला 10 और दूसरे वैल्यू को भी डाल दिया 10, तो दोनों नंबर क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा बोथ नंबर्स आर इक्वल। तीसरी कंडीशन में हमने क्या कर दिया, फर्स्ट वाले को छोटा दे दिया और सेकेंड वाले को बड़ा दे दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा बी इज बिग। तो तीनों कंडीशन क्या होगी हमारी, ट्रू होगी है, इनमें से एक टाइम पे एक ही ट्रू होगी। ठीक है, अगर ए बड़ा होता है तो ए दे देगा चेक करके, अगर ये वाला होता है कि दोनों नंबर क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो ये वाला दे देगा, नहीं तो तीसरी कंडीशन क्या आ जाएगी कि बी इज बिग, ये वाला ये स्टेटमेंट वहां पे लिखी आ जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा इफ एल्स का इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब यहाँ पे तो दो नंबर थे हमारे पास, अगर हमारे पास तीन नंबर हो तो हम कैसे उसको वो करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।